हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्मिता फूड एंड फैशन। आज यहाँ पर मैंने बारबेक्यू नेशन स्टाइल स्वीट कॉर्न बनाया है, जिसमें थोड़ा सा मैंने डिफरेंट किया है, इसमें मैंने अपना टच दिया है। तो लास्ट तक मेरे वीडियो को ज़रूर देखें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और रेसिपी पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलें। अब आइए देखते हैं इसकी स्पेशल सी रेसिपी। बारबेक्यू नेशन स्वीट कॉर्न रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने कुछ स्वीट कॉर्न लिए हैं, जो कि मैंने फ्रोजन नहीं लिए हैं। ये सिंपल जो मार्केट में कॉर्न मिलते हैं उसको मैंने पील करके उसको बॉईल कर लिया है। तो इसको 10 मिनट्स के लिए आप इसको बॉईल कर ले। इसके लिए एक मैंने मिक्सिंग बॉयल लिया है, उसमें ये सारे ट्रांसफ़र कर देंगे। और यहाँ पर मैंने जो मसाले यूज़ किए हैं थोड़ा अपनी तरफ से डिफरेंट किया है, तो इसको लास्ट तक ज़रूर देखें। इसका वाटर अच्छी तरीके से निकाल ले, और हल्का सा ये गीला रहना चाहिए। और उसके बाद इतने कॉर्नफ्लोर के इसको एक कटोरी कॉर्नफ्लोर लेना है और इसमें अच्छी तरीके से इसको मिक्स करना है। 1 टेबल स्पून के बराबर मैंने यहाँ पे रेड चिली पाउडर लिया है, तो वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लें। 1 टेबल स्पून यहाँ पर मैं सॉल्ट ले रही हूँ, तो उसको भी आप एडजस्ट कर लें। और इसको डिफरेंट करने के लिए मैंने यहाँ पर लहसुन का पेस्ट लिया है, जिसको अच्छी तरह से ग्राइंड करके फिर वो इसमें मिक्स करेंगे। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। अब इन सबको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, और इसको तब तक मिक्स करना है जब तक ये जो इसका डस्ट है कॉर्नफ्लोर का, वो इसमें अच्छी तरीके से मिक्स ना हो जाए। ये देखिए, ये अच्छी तरीके से इसमें कोट हो चुका है। अगर आपको ऐसा लगे कि ये इसमें अच्छी तरीके से नहीं मिल रहा है, तो आप थोड़ा सा वाटर या फिर ऑयल बटर कुछ भी यूज़ करके इसको पूरा अच्छे तरीके से कोट कर दें। अब आइए इसको फ्राई करते हैं। इसको फ्राई करने के लिए मैंने एक पैन लिया है, और उसमें कोई भी आप कुकिंग ऑयल रख ले, और इसको ज़्यादा बहुत ज़्यादा हीट नहीं करना है, बिल्कुल कम हीट होगा, और उसके बाद ही इसको डालना है। और इस तरीके से धीरे धीरे आप करके इसको डाल दें। अभी बिल्कुल इसको मीडियम फ्लेम पे ही करना है, और उसके बाद जब ये डाल दें तब इसको फिर गैस के फ्लेम को आप तेज कर दें। ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा ये फ्राई हो चुका है, बिल्कुल करारे। अब इसको हम निकाल लेंगे। ये देखिए, अब इस सारे को निकाल लेंगे। इसी तरीके से सारे कॉर्न जो है हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, ये मैंने सारे फ्राई कर लिए, ये बहुत ही क्रिस्पी बने हैं, इसकी आवाज़ सुनिए। अब इसको थोड़ा सा और चटपटा बनाने के लिए, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून के बराबर मैंने यहाँ पे चाट मसाला लिया है। थोड़ा सा लेमन जूस लिया है, वो ऊपर से डाल देंगे। ये थोड़ा सा कोरिएंडर लीफ है, वो डाल देंगे एज अ डेकोरेशन के लिए, और इन सबको मिला लेंगे। बस ये बारबेक्यू नेशन का फेमस स्वीट कॉर्न रेसिपी रेडी है। अब आप इसको एंजॉय कर सकते हैं, और मेरे प्रोसेस से एक बार इसको जरूर बना करके देखें। और लास्ट तक मेरे वीडियो पे बने रहने के लिए थैंक्स। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।